हेलो दोस्तों, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि रिब क्या होता है और उसके बाद फिर हमने मिरर देखा था। तो इन दिस वीडियो हम देखने वाले हैं कि सेल कमांड क्या होता है, यानी जो आपको कट करना रहता है या हॉलो सेक्शन पार्ट आपको बनाना रहता है तो हम सेल कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्यूब बनाया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे भी मैं सेल कमांड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी फेस ना सिलेक्ट करते हुए मैं ओके कर दूंगा तो भी वो सेल हो जाता है। जिसके अगर आपको यहाँ पे देखता हो तो आप सेक्शन व्यू पे देख सकते हो, बाय डिफॉल्ट वो 10 की थिकनेस लेके वो उतना सेल कर देता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई फेसेस वगैरह नहीं सिलेक्ट किया था, सिर्फ मैंने सेल कमांड क्लिक किया था। मैं एक बार फिर से करके बताता हूँ, ये सेल कमांड डिलीट करता हूँ ये। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन भी देख सकते हो, ये सॉलिड बॉडी है। उसके बाद फिर मैं फिर से जाता हूँ सेल कमांड पे, एंड देन यहाँ पे 5 थिकनेस सिर्फ दे देता हूँ। यहाँ पे मैं अभी पिछले बार 5 था, इस बार 10 कर देता हूँ, एंड देन मैं ओके कर देता हूँ। मैं कोई फेस नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ओके कर दिया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेल हो गया है। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन व्यू, अगर आपको नहीं देख रहा तो आप यहाँ पे सेक्शन व्यू से देख सकते हो। तो ये होता है सेल कमांड। उसके बाद सेल में हमको दूसरा ऑप्शन मिलता है, मैं पहले सेल किया और डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैं सेल पे क्लिक करता हूँ तो आपको कोई ओपन फेस चाहिए, ओपन फेस चाहिए तो यहाँ पे आप जो फेस रिमूव करना चाहते हो उसको यहाँ पे क्लिक कर दो। और उसके बाद यहाँ पे थिकनेस आप, मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे शो प्रीव्यू पे देख सकते हो। और उसके बाद वहाँ पे एक आपको कमांड मिलता है सेल आउटवर्ड एंड इनवर्ड। बाय डिफॉल्ट वो इनवर्ड होता है, लेकिन आपको अगर आउटवर्ड चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके आउटवर्ड कर सकते हो। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये हमें 2 mm की थिकनेस से हमें सेल करके दे देगा। उसके बाद सेल में एक और कमांड है जिसको मैं डिलीट करता हूँ। फिर से मैं सेल में जाता हूँ। सेल में जाने के बाद फिर मैं यहाँ पे ओपन फेस सिलेक्ट करता हूँ, जो फेस मुझे रिमूव करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं मल्टी थिकनेस ऑप्शन है, तो जैसे ही मैं मल्टी थिकनेस पे ऑप्शन ऑन करता हूँ उसके बाद यहाँ पे मैं 2 फेसेस दे रहा हूँ। यानी वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो आप, 2 mm की थिकनेस से मैं यहाँ पे 10 दिया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने 2 फेसेस सिलेक्ट किया था, यहाँ पे 10 इन 10 mm का है और थिकनेस वॉल की थिकनेस है यहाँ पे 2 2 mm की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप मल्टी थिकनेस सिलेक्ट कर सकते हो, मल्टी थिकनेस आप यहाँ पे फेसेस वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये होता है हमारा सेल कमांड टू क्रिएट हॉलो पार्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।